बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। ऑटोमोबाइल डायग्नोस्टिक एंड टेक्निकल सर्विसेज के नाजरीन को खुश आमदीद। नाजरीन इकराम, आज आपको हेड गैस्केट की लीकेज के हवाले से इंतहाई अहम मालूमात जो हैं वो इस वीडियो के अंदर फराहम की जाएंगी। आगाज़ से पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। हेड गैस्केट इंजन के ओवर हीट होने की वजह से जल सकती है या लीक हो सकती है। कूलेंट का लेवल जो है वो एक हद से ज़्यादा कम हो जाए या कूलेंट किसी वजह से लीकेज की वजह से या किसी और वजह से कम हो जाए या ख़त्म हो जाए। थर्मोस्टेट वाल्व जो है वो टाइमली ना खुले, ये मुख्तलिफ वजूहात होती हैं जिनकी बिना पे हेड गैस्केट जल जाती है या लीकेज हो जाती है हेड गैस्केट की। नाजरीन, हेड गैस्केट के लीक होने की एक बड़ी वजह ये भी होती है कि बाज़ औक़ात हम ड्राइविंग करते हुए गलती से हैंड ब्रेक डाउन नहीं करते, जिसकी वजह से ब्रेक्स जो हैं वो जाम होती हैं या ब्रेक्स का कोई फॉल्ट होने की वजह से ब्रेक्स जैम हैं। उस सूरत में भी गाड़ी अगर मुसलसल उसी तरह से चलती रहेगी तो इंजन ओवरहीट हो जाएगा, जिसकी जब इंजन की ओवरहीटिंग होगी तो हेड गैस्केट के लीकेज के या जलने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाएंगे। नाजरीन, अब ये समझना ज़रूरी है कि इंजन की हेड गैस्केट जलने की वजह से या लीकेज की वजह से कौन सी अलामत जो हैं वो इंजन पर ज़ाहिर होंगी। उनको समझने के लिए ये एक हेड गैस्केट जली हुई हेड गैस्केट जो रिप्लेस की है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस हेड गैस्केट में आप देख रहे हैं कि ये मुख्तलिफ जगहों से जो है वो डी शेप नज़र आ रही है, यानी कि जली हुई नज़र आ रही है या लीकेज जो है वो शो हो रही है। ये मुख्तलिफ पहलू जो हैं वो आपको मैं दिखा रहा हूँ। अब ये देखें कि यहाँ से हेड गैस्केट जो है वो वाज़े तौर पर जली हुई दो सिलेंडर्स के दरमियान में से जो है वो जली हुई नज़र आ रही है। ये सिलेंडर और वाटर जैकेट के दरमियान में से जली हुई नज़र आ रही है। यहाँ ये आप देखेंगे कि ये पानी का फ्लो हो रहा होता है वाटर जैकेट्स में और सिलेंडर वाली साइड से जो है ये बर्नट है, यानी कि जली हुई है, डी शेप हो चुकी है, उसकी शेप जो है वो तब्दील हो चुकी है। अलामात को समझने के लिए हम इस सिलेंडर ब्लॉक को देखेंगे, क्योंकि हेड गैस्केट जो है वो सिलेंडर ब्लॉक और सिलेंडर हेड के दरमियान में होती है। ये सेंटर में बड़े जो हैं वो आपको नज़र आ रहे हैं सिलेंडर हैं, और इसके बिल्कुल साइड्स पर जो लाइन नज़र आ रही है वो वाटर जैकेट्स है। और ये हेड गैस्केट जो है ये वाटर जैकेट्स और सिलेंडर जो है और उसके बाद आयल गैलरीज को सेपरेट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। यानी गैस जो कंप्रेशन गैसें हैं या एग्जॉस्ट गैसेज हैं वो सिलेंडर हैं और सिलेंडर से जो है ये एग्जास्ट की तरफ या सक्शन के दौरान जो है वो भी सिलेंडर तक महदूद रहें। ये हेड गैस्केट जो है आयल और जो कूलेंट है उसको भी मिक्सअप नहीं होने देती। ये आप देख रहे हैं हेड गैस्केट के सिलेंडर के साइड्स पर बिल्कुल सिलेंडर के साथ जो है वो वाटर जैकेट्स हैं। वाटर जैकेट्स वो रस्से होते हैं जिनके अंदर पानी सर्कुलेट करता है, यानी कूलेंट जो है उसकी सर्कुलेशन हो रही होती है। सिलेंडर और वाटर जैकेट के दरमियान में थोड़ा सा सी जगह जो है वो होती है जिसको हेड गैस्केट ने कवर किया होता है। ये हेड गैस्केट मैंने उठा ली है। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि हेड गैस्केट कहाँ से लीक हो तो कौन सी अलामत जो है वो ज़ाहिर होती है। अगर ये सिलेंडर और वाटर जैकेट के दरमियान में लीकेज होती है तो पानी के अंदर सिलेंडर का प्रेशर आना शुरू हो जाता है और ये रेडिएटर पे जो है वो वाज़े शो होता है, नज़र आता है हमें। रेडिएटर के अंदर बबल्स जो है वो बनना शुरू हो जाते हैं। और अगर ये लीकेज बहुत ज़्यादा हो तो इस सूरत में जैसे ही कैप जो है वो खोलेंगे हम या खुले कैप पे इंजन को स्टार्ट करेंगे तो सारे का सारा कूलेंट जो है वो रेडिएटर से प्रेशर के साथ बाहर निकल जाएगा। नाज़रीन, ये ऑयल गैलरीज हैं, ये जो बड़े होल आपको नज़र आ रहे हैं ऑयल गैलरीज है, और ये छोटा होल जो आपको दो होल के साथ जो छोटा होल नज़र आ रहा है ये मेन ऑयल गैलरी से जो है वो इंजन ऑयल सिलेंडर हेड की तरफ जाता है। ये आप देख रहे हैं ये दो होल जो नज़र आ रहे हैं, एक हेड बोल्ट का है
और दूसरा ये छोटे वाला जो होल आपको नज़र आ रहा है ये मेन आयल गैलरी से सिलेंडर हेड की तरफ गैलरी जो है वो जा रही है। यहाँ से आयल प्रेशर के साथ सिलेंडर हेड की तरफ जाता है जो सिलेंडर हेड पार्ट्स को लुब्रिकेट करता है। तो अगर यहाँ से लीकेज होगी, इस जगह से वाटर जैकेट की तरफ लीकेज हो जाएगी, तो चूंकि आयल प्रेशर यहाँ पे ज़्यादा होता है इसलिए इंजन आयल पानी के अंदर जाना शुरू हो जाएगा और ये आपको रेडिएटर के अंदर जो है वो नज़र आएगा। रेडिएटर में कूलेंट के साथ इंजन आयल जो है वो भी मिक्सअप नज़र आएगा। लेकिन अगर हेड गैस्केट जो है वो ये बड़ी आयल गैलरीज और वाटर जैकेट के दरमियान में से लीक होता है, यहाँ से जल जाता है, तो यहाँ पर चूँकि पानी का प्रेशर ज़्यादा है इसलिए पानी जो है वो इंजन आयल की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। यानी कि ये जो बड़े होल आपको नज़र आ रहे हैं, आयल गैलरीज नज़र आ रही है, यहाँ से सिलेंडर हेड की तरफ से इंजन आयल रिटर्न आयल सम्प के अंदर या आयल चैम्बर के अंदर गिर रहा होता है। तो यहाँ पानी का प्रेशर जो है वो ज़्यादा होने की वजह से कूलर जो है वो चैम्बर की तरफ आना शुरू हो जाएगा। इसी तरह आप ये सिलेंडर हेड में देख रहे हैं कि कम्बस्चन चैम्बर के गिर जो है वो वाटर जैकेट्स और आयल गैलरीज जो है वो वाजे नज़र आ रही हैं। तो नाजरीन, हेड गैस्केट लीकेज की सूरत में एक तो ये बताया आपको कि रेडिएटर में से पानी जो है वो प्रेशर के साथ बाहर निकल जाएगा। दूसरी चीज़ जो मैंने बताई वो ये है कि बबल्स जो है वो बनना शुरू हो जाएंगे। तीसरा इसमें ये भी हो सकता है कि रेडिएटर के अंदर इंजन ऑयल जो है वो आना शुरू हो जाए। चौथी जो अलामत है हेड गैस्केट लीक होने की वो ऐसी सूरत में गाड़ी है, सर्विस ना चलाए, हेड गैस्केट जो है वो लीक हो गई है या सिलेंडर हेड गैस्केट जला ही है कि अगर आप इसी तरह से गाड़ी चलाते रहेंगे, अभी तो सिर्फ हेड गैस्केट जली है और हेड गैस्केट रिप्लेस करने से काम चल जाएगा, इसके बाद इंजन सीज होने का अंदेशा है। और यकीनन अगर आप इसी तरह से गाड़ी चलाते रहेंगे तो गाड़ी का इंजन सीज हो जाएगा और फिर इंजन ओवरहॉलिंग करवानी पड़ेगी या इंजन रिप्लेस करना पड़ेगा। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नए आइडियाज़ के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।